पंजाब वासियों को सेहत सुविधा देने का बड़ा बड़ा दावा करने वाली पंजाब सरकार की मोगा के सरकारी अस्पताल की पोल उस समय खुली जब मोगा के जीटी रोड बिजली घर के पास एक मोटरसाइकिल की पैदल जा रहे युवक के साथ टक्कर हो गई और पैदल जा रहे युवक को काफी चोट लगी और युवक अवतार सिंह को मोगा की समाज सेवा सोसाइटी सरकारी अस्पताल लेकर आई। इमरजेंसी में जब मरीज को लाया गया तो मरीज की उस समय टांग टूटी हुई थी। पहले तो स्टाफ की बहुत कमी थी और फिर बाद में मरीज के इलाज के लिए ना तो कोई दर्द निवारक टीका था और ना ही घास पट्टी और ना ही स्प्रिट थी। मरीज के साथ कोई अटेंडेंट भी नहीं था। समाज सेवा सोसाइटी की ओर से बाजार केमिस्ट की दुकान से सामान मंगवाया गया और फिर स्टाफ की कमी के कारण एक्सीडेंट केस के मरीज को अस्पताल की इमरजेंसी में समाज सेवा सोसाइटी के चेयरमैन गुरसेवक सिंह सन्यासी द्वारा खुद टांग को सीधा करने के लिए गाज की पट्टी अपनी जेब से मंगा कर डॉक्टर से लगवाई। दो तीन एक्सीडेंट केस आए है, एक था लाल सिंह आया जी, बख्तौर सिंह जितवाल तो उन्होंने पुलिस वाले लैके आए थे तो वो उंगलों से सवीर ब्लीडिंग सी फर्स्ट एड दे दी गई है। बाकी एक्सरे वाले सद्या है आ गए ने एक्सरे करा के देखते हैं की कंडीशन। एक अवतार सिंह ना समाज सेवा वाले लैके आए उन्होंने तो वो भी एक्सीडेंट हो बिजली घर के सामने तो वो लत्त फ्रैक्चर लग रहा तो ही एक्सरे वाले सद्या उन्होंने फर्स्ट एड तो देती समाज सेवा वाले आप ही समाज सेवा करने लगे हुए थे बाकी असं एक्सरे वाले बुला लिया। नहीं सर स्टिचिंग का समान तो है स्प्रिंटा सा खत्म हुई हुई है वो डिमांड असी दी हुई है बहुत चिर तो दी हुई है नहीं आ रही पिछों पता नहीं की कारण हो सकता।